राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में भरोसे की यात्रा निकाली। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में फिर भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया। कांग्रेस की भरोसे की पदयात्रा को पूरे प्रदेश में अपार जन समर्थन देखने को मिला। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी काफी जोश में दिखाई दिए। राजनांदगांव विधानसभा में पूर्व सांसद एवं राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी पीआर खूंटे ने भरोसे की यात्रा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी, लगभग सभी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा का वही हाल होगा जो कर्नाटक में हुआ। इन सारी घोषणाओं के पूरा होने से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है और भरोसा इतना बढ़ा है कि अभी आने वाले 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से माननीय भूपेश बघेल जी की अगुवाई में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। ऐसे तो अभी जितने भी प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्य में, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अब इसलिए भाजपा के लोग बहुत ही घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने ऐसे सबक सिखाया है और वही सबक इन 4 राज्यों के, मिजोरम की भी जनता भाजपा को सबक सिखाने वाले हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।